हाय गाइस, अभिषेक हियर, वेलकम बैक टू इंगल्फिंग बुल। आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स। नाउ हमने अभी तक जितने भी स्टॉक्स हर सैटरडे हर वीकेंड को निकाला है, आप देख सकते हैं कि मोस्टली इन स्टॉक्स ने अपने मूव्स दिए हैं। बिकॉज हम जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, हम कुछ बहाने नहीं ढूंढते कि अरे ये तो इसके कारण हिल गया या ये कोई न्यूज के कारण हिल गया। हम उसको एक्चुअली एक ही सेटअप है हमारा, कुछ इंडिकेटर्स है जो हमें वो इंडिकेशन देते हैं, हमें सजेशन देते हैं कि ये स्टॉक इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एंड हम एक ही सेटअप पे ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, कब आप भी सीखोगे कभी भी टेक्निकल एनालिसिस, तो इतना यू नो इट हैज़ बी अ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, नॉट कि हर चीज को करना है, हर चीज के हिसाब से ट्रेडिंग करना है, ऐसा होता नहीं है। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम 7th जून को एक लाइव बैच कर रहे हैं, एंड फॉर दैट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज गो टू द वेबसाइट engulfingbull.com एंड चेक इट आउट। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, फ्रॉम द बेसिक टू द अल्टीमेट ट्रेडिंग मास्टरी। ऑलराइट, नाउ फॉर द टू स्टॉक्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। हमने ये स्टॉक्स पहले भी डिस्कस किया था, तो हमारी एंट्रीज पहले थी ऑफ कोर्स। नाउ लेकिन आज हम जो वीडियो की बात करेंगे वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ सके कि अगर मूव आ चुका है क्या हमें री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो पहला बात है, ये हमारे पास पहले एक ट्रेंड लाइन हुआ करता था, ये वाला आप जो डाउन चैनल देख रहे हैं वो ब्रेकआउट हो गया था, एंड बहुत सुंदर से 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अ ब्रेकआउट, विच इज वेरी गुड सजेशन कि ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। सेकेंड, जब ये हुआ था हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस था यहाँ पे, जो कि सजेस्ट करता था हाँ ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी क्या है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास आ रहा है, जो आप देख सकते हैं कि पिछले 2008 का जो फॉल आया था, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हियर। सो ये पहले ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस लिया ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस लिया नीचे आया लेकिन कम गिरा, अब इस बार वापस जा रहा है। अब इस बार ये वापस जाके क्या यहाँ ब्रेकआउट होगा या नहीं, अगेन हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे जब लास्ट टाइम आया था ये कम गिरा था, और यहाँ पे अब एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं। करेक्ट, ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड, ये रहा शोल्डर। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से दिखे, ठीक है। अब ये हेड एंड शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सजेस्ट करता है कि अगर ये लेवल ब्रीच होता है या ब्रेकआउट होता है, मे बी दिस मंथ मे बी नेक्स्ट मंथ वी डोंट नो, अगर ब्रेकआउट होता है तो अपॉर्चुनिटी है या प्रोबेबिलिटी है कि इसका टारगेट यहां तक आएगा, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अगेन अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये जो सेटअप होता है ना, टेक्निकल सेटअप, यहाँ पे सारे सिस्टम या सारे इंडिकेटर सारे पैटर्न आपको एक ही चीज बोलते हैं, तभी वो एक अच्छा सेटअप होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी सब चीजों के थ्रू प्रोबेबिलिटी है इसका ऊपर जाने का, हाँ या ना। अगर है तो क्या कहाँ हम री एंट्री ले सकते हैं। अभी क्या है, अगर आप ऑलरेडी इस स्टॉक में नहीं है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना होगा कि कैसे हम एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये एक रेंज है जहां पे रेजिस्टेंस हमेशा लिया, या तो आप वेट करो इसका ब्रेकआउट का, या तो वेट करो इस हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट का, और आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको और भी फाइनर एंट्री लेना है तो आप और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इवन इन डेली चार्ट और वीकली चार्ट कम्स नियर द मूविंग एवरेज। अगर ये प्राइसेस साइडवेज चलता है या मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वापस एंट्री करने का। लेकिन देख के वापस मैं जो बोल रहा हूँ, लेट दिस चार्ट लोड प्रॉपर्ली, यस, देख के ये लगता है कि प्रॉब्ली अब या तो यहाँ पे एंटर करते, अब प्रॉब्ली बेस्ट होगा कि अगर हम इसका ब्रेकआउट का वेट करें एंड देन ऊपर की तरफ ले, क्योंकि ऊपर का रास्ता भी 300 पॉइंट का अच्छा खासा रास्ता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम नो मैन्स लैंड पे चले गए, तो प्रॉब्ली बेस्ट होगा कि इसका ब्रेकआउट होने का वेट करें। अभी दूसरा स्टॉक है हमारे पास बिरला सॉफ्ट, राइट। इसका भी स्टॉक का हमने आई थिंक लास्ट वीक नहीं तो लास्ट टू लास्ट वीक डिस्कस किया था, एंड वंस अगेन वी विल स्टार्ट विद अ बिगर टाइम फ्रेम। अगेन बहुत अच्छा सेटअप है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा मूव करेक्शन, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना रखा है हमारे सिस्टम में, एंड ये इस महीने इसने अच्छा खासा ऊपर मूव दे दिया। तो हम ऑफकोर्स यहाँ पे इन्वेस्टेड है जब कंफर्मेशन आ गया था कैंडलस्टिक के हिसाब से, बट डबल बॉटम पे डाइवर्जेंस के साथ प्रोबेबिलिटी है कि ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि यार प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन हम एंटर कैसे करें। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे एक डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल है, और वंस अगेन देख के या कोई भी हम जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं लगता है कि ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसा तो अभी तक नहीं लगता है। तो अब हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, हम री एंटर कर सकते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो बेस्ट होगा।
सो अगेन हम वापस डेली चार्ट में जाते हैं देखने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन है ऐसा एकदम लग रहा है कि हो सकता है। ऑफकोर्स इट डिपेंड करता है कि मंडे कैसा खुलेगा, अगर ये नीचे खुल गया देन ईएमए तक आ सकता है। सो जो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, अगर ये यहाँ तक आता है ईएमए तक, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक, एंड फिर एक अपॉर्चुनिटी देगा, हम वो ले सकते हैं। या अगर ये ब्रेकआउट दे देता है सो आपको ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट का वेट करना होगा, एक दिन का ब्रेकआउट देगा देन सीआईटी देगा एंड देन बढ़ सकता है। सो हम उस समय भी एंटर कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स को अपने वॉचलिस्ट में रखने का, ताकि अगर ये हो, अगेन वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, हम आपको दिखा रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कैसे स्टॉक्स मूव करते हैं। हम प्रिडिक्शन नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें ये रिएक्ट करना है। वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, वी आर ट्राइंग टू रिएक्ट टू प्राइस एक्शन चेंजेस। सो इफ दैट हैपेंस देन वी विल टेक अ ट्रेड, इफ डजंट हैपन वी विल जस्ट सेट असाइड एंड डू नथिंग अबाउट इट, है ना। सो गाइज अगेन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि हम 7 जून को एक लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, 6 वीक्स का कोर्स है। आप प्लीज www.engulfingbull.com में जाइए, चेकआउट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज एनरोल कीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स, यू लर्न फ्रॉम द बेसिक टू द अल्टीमेट ट्रेडिंग सिस्टम। शेयर द लव, स्प्रेड द लव गाइज, स्टे सेफ, आई विल सी यू नेक्स्ट वीकेंड, थैंक यू।